हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 8 सब्जेक्ट सिविक्स चैप्टर 1 द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। फ्रेंड्स, इस चैप्टर में हम सबसे पहले देखेंगे कि कॉन्स्टिट्यूशन का मीनिंग होता क्या है। इट इज अ सेट ऑफ फंडामेंटल प्रिंसिपल्स और एस्टेब्लिश रूल्स अकॉर्डिंग टू विच अ स्टेट और अदर ऑर्गेनाइजेशन इज गवर्न। ये एक ऐसा फंडामेंटल प्रिंसिपल्स होता है जिसमें हमारे रूल्स अकॉर्डिंग टू विच किसी भी स्टेट को गवर्न कराने के लिए मदद करते हैं, वो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कहलाता है। नेक्स्ट में हम टर्म में बात करेंगे व्हाई वी नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन, हमें कॉन्स्टिट्यूशन की जरूरत क्यों महसूस होती है। आपका अगर क्वेश्चन आ जाता है व्हाई इट इज इम्पोर्टेंट, तो आंसर आपका सेम ही रहेगा। फर्स्ट, द कॉन्स्टिट्यूशन स्टेट्स द आइडल्स दैट फॉर्म द बेसिस ऑफ द काइंड ऑफ कंट्री इट्स पीपल एस्पायर टू लिव इन। इट गिव्स अ सेट ऑफ रूल्स एंड प्रिंसिपल दैट ऑल पर्सन रिसाइडिंग इन अ कंट्री कैन एग्रीड अपॉन एंड ऑल्सो शेप द वे इन विच दे वॉन्ट देयर कंट्री टू बी गवर्न। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन एक आइडियल प्रिंसिपल पे बेस्ड है, इसके अंदर एक सेट ऑफ रूल्स होते हैं जो हर पर्सन को फॉलो करने पड़ते हैं और उस बेसिस पे हमारी कंट्री पूरी इसी बेसिस पे गवर्न की जाती है। नेक्स्ट, सेकंड में हम बात करें इट डिटरमाइंस द नेचर ऑफ अ कंट्रीज पॉलिटिकल सिस्टम, हमारी कंट्री का पॉलिटिकल सिस्टम इसी बेसिस पे डिटरमाइन किया जाता है। इट गिव्स द गाइडलाइंस दैट गवर्न डिसीजन मेकिंग इन द कंट्री, ये हमारी कंट्री को गवर्न करता है, गाइडलाइंस प्रोवाइड करता है जिसके बेसिस पे हमारी कंट्री रन करती है। थर्ड, अ कॉन्स्टिट्यूशन इज नीडेड टू प्रोटेक्ट अस फ्रॉम आर सेल्फ, इट गार्ड्स अगेंस्ट टेकिंग एनी डिसीजन इन हेस्ट और विम दैट माइट अफेक्ट द लार्जर इंटरेस्ट। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हमें इसलिए जरूरी है क्योंकि ये हमें खुद को बचाता है और दूसरी चीज ये हमें गाइड करता है हर एक्शंस पे, अगर हम कोई गलत डिसीजंस भी लेते हैं तो उसके अंदर प्रोविजन बना हुआ है जिसके कारण हम सही स्टेप्स ले सके ड्यू टू कॉन्स्टिट्यूशन। नेक्स्ट टर्म आती है हमारी डेमोक्रेसी, व्हाट डज डेमोक्रेसी मीन, डेमोक्रेसी का क्या मतलब होता है। हम डेमोक्रेटिक कंट्री में रहते हैं तो इसका मीनिंग समझना भी जरूरी है। इट इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच पीपल हैव द पावर ऑफ गवर्नेंस, मतलब लोगों के पास पावर होती है टू चूज देयर रिप्रेजेंटेटिव। इन अ डेमोक्रेसी पीपल चूज देयर लीडर सो दैट दे कैन एक्सरसाइज पावर रिस्पॉन्सिबली ऑन देयर बिहाफ। डेमोक्रेटिक कंट्री के अंदर लीडर्स को पीपल द्वारा चूज किया जाता है जिससे कि उनके बिहाफ पे जो लीडर्स हम लोगों ने चूज करे हैं वो हमारी कंट्री को रन कर सके। नेक्स्ट, की फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, अब कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ऐसे क्या क्या फीचर्स होते हैं। फर्स्ट, फेडरलिज्म, फेडरलिज्म इट इज अ सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इन विच पावर्स आर डिवाइडेड बिटवीन अ सेंट्रल अथॉरिटी एंड वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स स्टेट्स और प्रोविंसेस ऑफ द नेशन। फेडरलिज्म एक ऐसा सिस्टम है हमारी गवर्नमेंट का जहां पर गवर्नमेंट ने पावर्स को डिवाइड करा हुआ है एक सेंट्रल लेवल पे एक स्टेट लेवल पे, इसको हम कहते हैं फेडरलिज्म, पावर्स का डिवीजन। नेक्स्ट हम बात करते हैं पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की, दिस मींस दैट पीपल ऑफ इंडिया हैव अ डायरेक्ट रोल इन इलेक्टिंग देयर रिप्रेजेंटेटिव्स, हमारी कंट्री के पीपल की ये डायरेक्ट रोल है कि हम हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स को इलेक्ट करते हैं। ऑल्सो एवरी सिटीजन ऑफ द कंट्री इररेस्पेक्टिव ऑफ हिज हर सोशल बैकग्राउंड कैन ऑल्सो कंटेस्ट इन इलेक्शंस, दीज रिप्रेजेंटेटिव्स आर अकाउंटेबल टू द पीपल। और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर हर सिटीजन को इररेस्पेक्टिव ऑफ हिज सोशल बैकग्राउंड, कास्ट, क्रीड, किसी भी बेसिस पे वो हर एक भागीदारी है इलेक्शन का पार्ट देने में, इलेक्टेड अपने कैंडिडेट्स को चूज करने में। तो और दूसरी बात, जो हम चूज करते हैं लीडर्स को दे आर अकाउंटेबल टू द पीपल ऑल्सो। नेक्स्ट, सेपरेशन ऑफ पावर्स, अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन देर आर थ्री ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट, हम कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर थ्री ऑर्गन्स होते हैं, लेजिस्लेचर, द एग्जीक्यूटिव एंड द जुडिशरी। लेजिस्लेचर लॉ मेकिंग बॉडी विच एग्जीक्यूट द पावर्स एंड द जुडिशरी इज हमारी कोर्ट, मतलब जहां पर हम अपील कर सकते हैं रिगार्डिंग एनी डिस्क्रिमिनेशन फेस बाय एनी पीपल। ईच ऑर्गन एक्ट एज अ चेक ऑन द अदर ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट एंड दिस इंश्योर द बैलेंस ऑफ पावर बिटवीन ऑल थ्री। और ये तीनों ही ऑर्गन्स हमारी गवर्नमेंट के लिए इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं क्योंकि तीनों ही आपस में बैलेंस बनाकर चलते हैं, इसीलिए बोला गया सेपरेशन ऑफ पावर्स। नेक्स्ट हम इम्पोर्टेंट टर्म की बात करते हैं, हमारे फंडामेंटल राइट्स, हमारे फंडामेंटल राइट्स दे आर द असेंशियल ह्यूमन राइट्स दैट आर ऑफर्ड टू एवरी सिटीजन इररेस्पेक्टिव ऑफ कास्ट, रेस, क्रीड, प्लेस ऑफ बर्थ, रिलीजन और जेंडर, दीज आर इक्वल टू फ्रीडम एंड दीज राइट्स आर असेंशियली फॉर पर्सनल गुड एंड द सोसाइटी एट लार्ज। फंडामेंटल राइट्स हमारे वो राइट्स होते हैं जो हर ह्यूमंस को दिए जाते हैं, हर सिटीजन्स को, चाहे वो इररेस्पेक्टिव ऑफ कास्ट हो, रेस हो, क्रीड हो, प्लेस ऑफ बर्थ हो, रिलीजन हो, किसी भी प्रकार के, बट वी आर ट्रीटेड एवरी सिटीजन एज इक्वल।
नेक्स्ट सेक्युलरिज्म. सेक्युलरिज्म द बिलीव दैट रिलीजन शुड नॉट इन्फ्लुएंस और बी इन्वॉल्व इन द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सोसाइटी एजुकेशन गवर्नमेंट एक्सेट्रा. इंडिया सेक्युलरिज्म कंट्री है बिकॉज यहाँ पर हर तरह के रिलीजन फॉलो किए जाते हैं विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन. वी कैन नॉट डिवाइड एनी रिलीजन ऑन द बेसिस ऑफ सेक्युलरिज्म. तो वी ट्रीटेड ऑल रिलीजन एज इक्वल और हर एक को अधिकार है अपना रिलीजन फॉलो करने का. नेक्स्ट टाइम में हम बात करते हैं हमारे कुछ फंडामेंटल राइट्स के बारे में. हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर हमें फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं. अब देखते हैं कौन कौन से राइट्स हैं. फर्स्ट फंडामेंटल राइट है राइट टू इक्वालिटी, राइट टू फ्रीडम, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स. ये सारे फंडामेंटल राइट्स हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें दिए हैं. हम वन बाय वन ईच राइट को समझते हैं. फर्स्ट राइट टू इक्वालिटी. All persons are equal before the law. No citizen can be discriminated against on the basis of their religion, caste or sex. हमारे यहाँ पर हर persons को equally treat किया जाता है before the law and किसी भी citizens को discriminate नहीं किया जाता on the basis of their religion, on the basis of their caste or creed. हम किसी में भी भेदभाव नहीं करते. Second, right to freedom. This includes the right to freedom of speech and expression, the right to move freely and reside in any part of the country, and the right to practice any profession, occupation or business. हमारे यहाँ पर every person has right to freedom. Means अपने विचार प्रकट करना, कहीं पर भी all over the country freely घूमना, reside करना और कोई सा भी religion practice करना, follow करना, कोई सा profession अपनाना, occupation अपनाना, business अपनाना, इस सब के लिए हमारे यहाँ पर right to freedom एक फंडामेंटल राइट है. राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन. द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोहिबिट्स ह्यूमन ट्रैफिकिंग, फोर्स लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन अंडर 14 इयर्स ऑफ एज. अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन का मतलब है अगर कोई किसी से किसी को किसी ना भेदभाव करता है या एक्सप्लॉयट करता है इन एनी वे, तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन उसको प्रोहिबिट करता है कि ऐसा नहीं होना चाहिए. जो बच्चे जिनको फोर्स किया जाता है अंडर 14 इयर्स ऑफ एज काम करने के लिए, तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन उसको प्रोहिबिट करता है कि ऐसा एक्सप्लॉयटेशन उसके साथ नहीं किया जाना चाहिए. नेक्स्ट राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन. एवरी पर्सन हैज द राइट टू प्रैक्टिस, प्रॉस्पर्स एंड प्रोपोगेट द रिलीजन ऑफ देयर चॉइस. हमारे यहाँ पर हर पर्सन को अधिकार है टू फॉलो एनी रिलीजन ऑफ हिज और हर चॉइस. कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स. द कॉन्स्टिट्यूशन स्टेट्स दैट ऑल माइनॉरिटीज, religious or linguistic, can set up their own educational institution in order to preserve and develop their own culture. हमारे यहाँ पर cultural और educational right हमारा एक fundamental right है जिसमें चाहे कोई minority group का हो, कोई linguistic group का हो, linguistic means on the basis of language, वो अपने आप को अपना सेटअप कर सकता है और अपने rights को preserve कर सकता है और अपने culture को follow कर सकता है without being discriminated. हम बात करते हैं right to constitutional remedies. This allows citizen to move the court if they believe that any of their fundamental rights have been violated by the states. इस right के अंदर जो हमारा judiciary part होता है, जैसे हम जा सकते हैं, हमारी courts जिसके अंदर आती है, तो ये हमारे citizens की authority है, उनको right दिया गया है. अगर उनके साथ कोई mistreatment करता है, कोई exploitation करता है, तो ये उनका fundamental right है that they can grow freely to constitutional remedies. वहां जाकर वो उनकी complaints लिखा सकते हैं और अपने आप को violate होने से बचा सकते हैं. सो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें. जल्द मिलते हैं नई वीडियो के साथ. थैंक यू.